जी अस्सलाम वालेकुम काशकर भैया, इस वीडियो के अंदर हम आपको गंदम की एक ऐसी वैरायटी जिसका नाम सुभानी 2021 है उसके बारे में रहनुमाई देंगे। और ये जो फसल और जो सिट्टे आप देख रहे हैं ये सुभानी 2021 के हैं। ये वीडियो जो थी आज से 15 दिन पहले की है, किसी मामूलात की वजह से ये वीडियो लेट आ रही है, आपको देखने के लिए लेट मिली है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको गंदम सुभानी 2021 की जो वैरायटी है उसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई आपके साथ शेयर करेंगे। काशकर भाई, ये जो वीडियो है ये हमें काशकर भाई ने बहावलपुर से भेजी है, जिसने सुभानी 2021 की वैरायटी जो है वो काश की हुई है। अगर आप भी अपनी वीडियो को चैनल के ऊपर चलवाना चाहते हैं तो आप अपनी मुख्तलिफ फसलात की वीडियो बना के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड करें, हम आपकी वीडियो आप इसी चैनल के ऊपर ज़रूर चलाएंगे। काशकर भी अगर हम बात करते चलें यहाँ पर सुभानी की, तो इसके जो सिक्टे हैं वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसके जो सिक्टे कितनी लंबाई है और इसके सिक्टे के अंदर कितनी ज़्यादा मक्खी हैं। अगर एक सिक्टे के अंदर जितनी ज़्यादा मक्खियाँ होंगी उतने ही ज़्यादा आप उससे पैदावार और उतने ही ज़्यादा उस मक्खियों के अंदर दाने मौजूद होंगे। देखने में बाज़ार ये वैरायटी जो है वो दिलकश के तरह लगती है, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो चौड़ा है। लेकिन काश्कार का ये कहना है कि मैंने सुभानी 2021 ही काश की है, तो आप लोग अभी अपनी आँखों से देख सकते हैं कि ये किस तरह की वैरायटी है और इसका जो कद है वो कितना है और इसके पत्ते कितने चौड़े हैं और इसका जो रंगत है वो किस तरह की है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की संभाल और इस तरह की फसल से वो काश्कार जिसने इसको काश किया हुआ है वो कितनी पैदावार हासिल कर सकता है। उस काश्कार भाई ने एक बोरी DAP, डेढ़ बोरी यूरिया और एक बोरी SOP पोटाश जो है वो इस्तेमाल की है, और इसके अलावा इसके ऊपर बोरान और पोटाश और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके स्प्रे जो हैं वो किए हुए हैं। और इस वक्त जो वैरायटी का टोरा है, जो उसकी अपना पोलिनेशन का अमल है, जो उसकी गोब की हालत है, वो सबसे बेहतरीन रही है। और अगर यहाँ पे बात की जाए इस वैरायटी की, इस फसल की, इस वीडियो की कंडीशन को देखते हुए, जो इसकी पैदावार है वो 50 मन से ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि जिस तरह की इसकी फसल और जिस तरह के इसके सिट्टे अभी नज़र आ रहे हैं उससे बज़ाहर तो यही लग रहा है कि ये एक अच्छी पैदावार देगी। मगर जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी तो काश्कार जो है हमें ज़रूर बताएगा कि इसकी पैदावार जो है वो कितनी आई है और उसने इसकी पैदावार हासिल करने के लिए प्रॉपर वो अपना जो शेड्यूल है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करेगा। ये जो मैंने अभी आपको खुराक बताई है वो तो उसने हमें एक छोटी सा बताया है कि मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मगर उसका कहना था कि जब मैं इस वैरायटी को बर्दाश्त करूँगा तो मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि मैंने इसके लिए कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल की, इसको मैंने लगाया किस वक्त है। अगर हम बात करें इसके लगाने के हवाले से, वीडियो में नज़र आने पर लगता तो ये है कि ये जो वैरायटी है वो अपने बिल्कुल सही टाइम यानी कि अगेते टाइम के ऊपर ही काश की गई है, जबकि इसके पोलिनेशन और इसकी जो गोब की हालत है वो भी अब मुकम्मल हो चुकी है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं वैरायटी सुभानी 2021 की रंगत शक्ल और इसका जो कद काट है वो कितना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दूसरे काश्कार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सुभानी वैरायटी जो है वो किस तरह नज़र आती है और हमें सुभानी की काश्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आप अपनी कोई भी वीडियो इस चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो को ज़रूर चलाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।